उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक शख्स ने इंसानियत और मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। शादी के फेरों से महज 8 घंटे पहले एक हादसे में दुल्हन आरती के पूरी तरह अपंग हो जाने के बाद भी दूल्हे अवतेश ने न सिर्फ रिश्ता कबूल किया बल्कि होने वाली पत्नी को एम्बुलेंस से उसके घर बुलाकर स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालात में शादी भी की और रस्में भी अदा की। सुनने में फिल्म सी लग रही ये कहानी 15 साल पहले रिलीज हुई शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म विवाह का रियल लाइफ रीमेक है। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन ससुराल के बजाय वापस अस्पताल पहुंच गई, जहां उसे अभी कई दिनों तक और रहना है। यह अनूठी शादी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके की रहने वाली आरती मौर्य की शादी नजदीक के ही गांव के अवतेश से तय हुई थी। 8 दिसंबर को बारात आनी थी। दोनों ही घरों में शहनाइयां बज रही थी। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे, तभी दोपहर करीब 1 बजे एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में दुल्हन आरती का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर और पैर समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोटें आईं। पड़ोस के अस्पताल में इलाज करने से डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो घर के लोग उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में ले आए। शादी वाले घर में कोहराम मच गया। डॉक्टरों ने जब ये बताया कि फिलहाल वह अपंग हो गई है और कई महीनों तक बिस्तर से नहीं हिल सकती तो सभी के होश उड़ गए। आरती के घर वाले और दूसरे लोगों को लगा कि लड़के वाले अब शादी तोड़ देंगे, क्योंकि इलाज के बावजूद उसके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद भी थोड़ी कम थी। परिवार वालों ने दूल्हे अवतेश और उसके घर वालों को दुल्हन आरती की छोटी बहन से शादी करने का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त दूल्हे अवतेश ने जो फैसला लिया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण से परिवार का सामान्य सा नजर आने वाला अवतेश जो कदम उठाएगा वह उसकी सोच से परे होगा। अवधेश ने कहा कि वह इस हालात में भी न सिर्फ आरती को पत्नी के तौर पर अपनाएगा बल्कि शादी भी उसी दिन तय वक्त पर करेगा। इसके बाद वह ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती की मांग भरना चाहता था। अवधेश की जिद पर डॉक्टरों की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से वापस घर लाया गया और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर शादी की सारी रस्में अदा की गई। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में ही उसकी मांग भरी गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। यह विदाई अलग थी। ससुराल जाने की बजाय वह वापस अस्पताल लाई गई। ऑपरेशन के फॉर्म पर खुद अवधेश ने पति के तौर पर अपने हस्ताक्षर किए। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।